वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन एवं निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। यह हरित हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाने हेतु एक कार्यक्रम है। साथ ही इसकी उप योजनाएं हैं, यह इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू निर्माण को निधि प्रदान करेगा और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। दूसरा है हरित हाइड्रोजन हब, यह बड़े पैमाने पर उत्पादन या हाइड्रोजन के उपयोग का समर्थन करने में सक्षम राज्य एवं क्षेत्रों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में पहचाना या विकसित किया जाएगा। साथ ही इसका उद्देश्य है वर्ष 2030 तक भारत में 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के साथ साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 एमएमटी की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना, जिसके अंतर्गत कुल 8 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश कर 6 लाख नौकरियां सृजित करना अपेक्षित है। इसका नोडल मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। हाइड्रोजन तथा हरित हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पे हम जानते हैं। हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, लेकिन यह अन्य तत्वों के साथ संयोजन में ही मौजूद होता है। इसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों जैसे जल से अलग किया जाता है। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित विद्युत अपघटनी या इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन नामक विद्युत प्रक्रिया के माध्यम से जल के विभाजन द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन के विकास से औद्योगिक परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन, आयातित जीवाश्म ईंधन एवं फीड स्टॉक पर निर्भरता कम होगी। साथ ही घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ेगी, रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी एवं नई प्रौद्योगिकियों को भी आगे बढ़ाने में भी इसका योगदान होगा। हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को उन क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जा रहा है जिन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विद्युतीकरण संभव नहीं है। इनमें से कुछ उद्योग लंबी दूरी के परिवहन के साधन, कुछ औद्योगिक तथा कुछ विद्युत क्षेत्र में उच्च भंडारण क्षमता वाले उपकरण शामिल हैं। संबंधित चुनौतियां देख लेते हैं। विश्व स्तर पर हरित हाइड्रोजन का विकास अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है, जबकि भारत एक प्रमुख उत्पादक होने का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। हालांकि इन सभी मध्यस्थ कदमों को निष्पादित करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है। दूसरा है हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के लिए उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हरित हाइड्रोजन उत्पादन की आर्थिक स्थिरता। तो ये था राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पे आधारित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।